वाला एरिया जो है इसका आप लोग सब जानते ही हैं, टाइमिंग बेल्ट की साइड पे होगा, सही है। और यहाँ पर ये कंप्लीट पिस्टन है, इसके पूरे प्रॉपर बैरिंग्स भी लगे हुए हैं, आप वो भी देख लो बैरिंग्स। और ये वाला एरिया जो इसका कट मार्क है, कट मार्क के सामने आएगा बैरिंग्स को डालने के समय, कॉमन सी बात है। प्लस इसमें आप देख रहे हो लुब्रिकेशन के लिए होल भी दिया हुआ है, ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यहाँ पर होल और एक यहाँ पर होल, सही हो गई बात। दो लुब्रिकेशन होल है, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड में जाके फिक्स होगा, ये एरिया कनेक्टिंग रॉड में जाके फिक्स होगा। कनेक्टिंग रॉड ऑलरेडी, ये कनेक्टिंग रॉड है तो ये हमारा क्रैंकशाफ्ट में जाके फिक्स होगा, सॉरी सही है, क्रैंकशाफ्ट में जाके ये हमारा फिक्स होगा। क्रैंकशाफ्ट के जो जर्नल में जाके ये फिक्स होने के बाद इसकी लुब्रिकेशन जो होगी वो सारी इधर से होगी। एक और होल आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला होल, जब ऑयल का प्रेशर यहाँ पर बिल्डअप हो जाएगा तो यहाँ से स्प्लिटिंग में ऑयल की वो भी एक और लुब्रिकेशन होगी जो कि यहाँ पर जारी होगी ऐसे करके, ठीक है। एक ये वाली भी लुब्रिकेशन हो रही होगी, ओके। तो इसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग लुब्रिकेशन, ओके, जो यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ जारी होगी। फर्दर मोर आप ये भी देख रहे होगे, यहाँ पर भी दो होल्स हुए हैं, पिस्टन पिन है, गजन पिन कहते हैं या पिस्टन पिन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, यहाँ पर भी ऑयल की लुब्रिकेशन हो रही होगी, ठीक है। एक और चेक करने का तरीका है इसकी पिन की क्लियरेंस मालूम करने का, कि इसमें ज़्यादा प्ले तो नहीं आ गई, तो आप इसकी पिन को अच्छे से होल्ड कर देंगे और इसको कनेक्टिंग रॉड को हिलाएंगे इस पोजीशन में, अप एंड डाउन तो ये मूव कर रहा है, नो इशू। पिन को लेके ऐसे मूव नहीं करना चाहिए, तो ये पिस्टन बिल्कुल सही है, इसमें ज़रा भी प्ले आपको फील नहीं होनी चाहिए, सही है। ये देखो प्ले ज़रा भी नहीं है इसके अंदर, क्लियर हो गई बात। ये वाली प्ले कोई इशू नहीं है, ओके, ये मसला नहीं है। इसकी एक होती है इसको लेके इसके इंटरनल पे, हाँ इंटरनल प्ले हो या ऊपर नीचे वाली प्ले हो वो नहीं होनी चाहिए, जो कि अभी मैं फील कर रहा हूँ नहीं है, ओके। अब हम देखेंगे इसके कंप्रेशन रिंग्स को कैसे निकालना है। ये टॉप कंप्रेशन रिंग है, ये सेकंड कंप्रेशन रिंग है और नीचे ऑयल रिंग्स लगे हुए हैं। ऑयल रिंग्स भी इसके टॉप और डाउन के साथ साथ एक नीचे एक होगी, एक बीच में एक और लेयर होगी उनकी, सही है। तो तीन टाइप के ऑयल रिंग्स होंगे और ये दो टाइप्स के हमारे कंप्रेशन रिंग होंगे। तो हम इस टूल को यूज़ करेंगे, इस टूल का नाम है एक्सपेंडर है, ये रिंग एक्सपेंडर है, पिस्टन रिंग एक्सपेंडर है, तो हम इसको यूज़ करते हुए यूज़ करेंगे। ये एक्सपेंडर फिक्स हो गया, स्लिप भी हो गया, दोबारा फिक्स किया और इसको हमने निकाल दिया, ठीक है। बहुत आसानी से हमारे रिंग बाहर आ गए। इसी तरीके से हम दूसरी वाली रिंग के साथ भी ऐसे ही करेंगे। हमारी दूसरी वाली रिंग भी बाहर आ गए, ठीक है। हम इसका मटेरियल है, यानी थिन मटेरियल की है, इसको हम हाथ से भी रिमूव कर सकते हैं और इसको इसके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाली सिर्फ हार्ड जो है मेटल की बनी हुई है, मटेरियल की बनी हुई है, इसलिए इसको जो है ना हम नॉर्मली एक्सपेंडर ही यूज़ करेंगे, वरना ये टूट जाएगी, इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ऑयल रिंग, तो ऑयल रिंग भी हमें नज़र आ रही है, इसको भी निकालने की कोशिश करते हैं। हम उसको हाथ से निकालने की कोशिश करते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ से हम निकाल रहे हैं। ऑयल रिंग बाहर आ गई हमारी, दूसरी ऑयल रिंग बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। सही हो गई, और इस तरीके से हमारी सारी रिंग्स बाहर आ जाएंगी। ये कौन सी रिंग है? ये भी क्लियर हो गई बात। इसके टॉप और डाउन पर हमने ये वाली ऑयल रिंग्स लगाई हुई थी, इन वाली, ठीक है। और ये इसकी जो है ना मेन वो थी जिससे ऑयल की सप्लाई हमें दी जा रही होगी। अगेन वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये ऑयल रिंग जो है ऑयल को पूरा ऊपर तक लेकर आएगी। यहाँ से देखो, अगर बारीक बारीक होल हुए हैं, ऑयल ऊपर तक आएगा और कंप्रेशन रिंग्स जो है ना वो सारा स्वैप करते हुए नीचे लेकर आएंगी, यानी कि वो जो सिलेंडर की वॉल है उन पर ऑयलिंग ये वाली ऑयल रिंग कर रही होगी। क्लियर हो गई बात, यानी ऑयल ऊपर तक आएगा और बाकी रिंग्स के साथ जब पावर होगी तो नीचे चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगर आप इसको गौर से देखें कंप्रेशन रिंग्स को, तो इसके टॉप पे लिखा हुआ होगा 100N, यहाँ से नज़र आ रहा है, मेरे खास ये फोकस नहीं होगा,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 100 लिखा हुआ और n लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है 100 का रिंग, जो रिंग है वो उसका नंबर है 100 का, ठीक है, और इसका टॉप पोजीशन यही होगी, यानी कि इसको हम ऐसे नहीं लगा सकते रिंग को, ओके, इसको हमने ऐसे ही लगाना होगा, नंबर वाली साइड ऊपर आएगी, नंबर वाली साइड हमेशा ऊपर आएगी, तो इसलिए हमने इसको इस पोजीशन में लगाना होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरी रिंग देखें तो उसमें भी यही नंबर लिखा हुआ होगा 100 और n, कभी कभी टी बना हुआ होता है, टी लिखा हुआ होता है, तो टी का मतलब होता है टॉप, 100 वाला एरिया ऊपर और n वाला एरिया ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ आप और नोट करें अगर, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ वाला एरिया सिल्वर सिल्वर सा है और यहाँ वाला एरिया ब्लैक हो रहा है, जो एरिया ब्लैक हो रहा होगा वो आएगा ऊपर टॉप पे, सही है, क्योंकि वो क्या कंबशन फेस कर रहा होगा जिसकी वजह से वो टॉप हुआ हुआ होगा, ठीक है। नई रिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये पुरानी रिंग है इसलिए हमें पता चल रहा है यहाँ पर कि ये एरिया जो है ना ब्लैक हो रहा है तो ये टॉप पे आएगा, अगर ये नई रिंग होती तो दोनों वाइट होते हैं, क्लियर हो गई बात। लेकिन सर नई रिंग में नंबर से पता चलता है ना कि वो, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, नई रिंग होती है तो हमें पता चल जाता है नंबर, जो नंबर ऊपर होगा टॉप पे वो एरिया आएगा, ठीक है। या डी लिखा होगा या एन और 100 लिखा होगा, देखो पढ़ो लिखा हुआ, यहाँ पर ये वाली लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, ये वाली रिंग दोनों सेम ही है, वरना फर्स्ट की अलग होती है सेकंड की अलग होती है, लेकिन ये वाली दोनों सेम ही है तो इसको आप यहाँ पर लगा सकते हो ऊपर नीचे। क्या लिखा हुआ, लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसे करके फिक्स किया हमने रिंग, और जब हम इसको हल्का हल्का हम इसको प्रेस करेंगे, हल्का हल्का प्रेस करने के बाद हम देखेंगे रिंग टेढ़ा हो रहा है, हम इसको काम करते हैं, इसको ऐसे डाल देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा लिखा हुआ है 100 और n, आपको शायद इसमें पता नहीं नज़र आएगा नहीं आएगा, यहाँ n लिखा हुआ है और इसमें नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है, फोकस पे नहीं नज़र आ रहा, छोड़ दो, ठीक है, इस पर भी देख लो शायद नज़र आ रहा है नहीं आ रहा Anyway, सर ये 100 जो लिखा हुआ है ये 100 का पेस्ट है, 100 साइज का पेस्ट है, 100 लिखा हुआ है और n लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा हो सकता हमारे मौजूदगी में नजर ना आए, नजर आ गया नहीं आ रहा, ऐसे तो नहीं जाएगा, नहीं नहीं 1000 है, चलो इसको हम डालने की कोशिश करते हैं, सही हो गई बात, दूसरा देना रिंग और देखेंगे दोबारा टॉप कौन सा इसका, टॉप इसका यही है, ठीक है।
अच्छा एक चीज़ और है जो अहम है, गौर से सुन लीजिए, एक चीज़ और बहुत अहम है। ये हमारा पिस्टन का वो एरिया है जहाँ पर टाइमिंग बेल्ट की तरफ होगा या मेन पुली की तरफ होगा, ठीक है, ये एरिया। अब ये चीज़ देखनी है रिंग के जो ओपन एंड वाला एरिया है वो कहाँ कहाँ सेट होगा, सही है। टॉप वाला इसके 45 डिग्री पे, नीचे सेकंड वाला इसके यहाँ से 45 डिग्री पे, ओके, इसके बिल्कुल ऐसे आमने सामने हो जाएगा, सही है। और नीचे वाला जो ऑयल रिंग है ओपन एंड की तरह जी, ये रहा सर, इसको इस तरफ करो, टॉप वाले को इस तरफ, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है, ओके, ये एडजस्ट हो गया, ओके, एक इस तरफ हो गया टॉप वन, सेकंड वन इस तरफ हो गया, थर्ड वन इस तरफ और फोर्थ वन इस तरफ, सारे 90 डिग्री से एडजस्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे इसके ओपन वाले एरियाज, सही है, ओके। बाय चांस अगर, हाँ बोले तो सवाल, ये कहलाएगा कंप्रेसर, रिंग कंप्रेसर। हमने पहले एक्सपेंडर यूज किया था, अब कंप्रेसर, रिंग कंप्रेसर यूज कर रहे हैं। अब देखें जरा इसको, ये एरिया ऐसे और ये वाला एरिया ऐसे, स्कर्ट और ये पूरा मैक्सिमम हम अंदर की तरफ डाल देंगे, उसके बाद हमारा ये एरिया अंदर से इसको प्रेस करते हुए हल्का हल्का प्रेस करेंगे और हमारा पिस्टन अंदर की तरफ चला जाएगा, स्लाइड होता हुआ अंदर चला जाएगा, ठीक है। हाँ, वुडन चीज से मिला दी है, हैमर का बैक एरिया हो सकता है, कोई इशू नहीं है, वुडन चीज से इसको, हाँ आरुण खाना, वुडन से, वुडन पीस से हल्का हल्का हैमर कर सकते हैं इसमें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, ऊपर से, क्योंकि हमें ये डालना है, स्लाइड हो गई है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, 22, ओके, तो ये अंदर की तरफ जाएगा और इसके रिंग्स जो हैं वो अंदर सिलेंडर में चले जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गई बात। हमारे